अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने कस्टमर की वेबसाइट से थीम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कस्टमर ने आपको एज ए स्टाफ ऐड किया हुआ है तो आप इजीली उसका थीम डाउनलोड करके किसी और वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, या नेक्स्ट आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उसमें भी वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके कस्टमर ने आपको एज ए स्टाफ ऐड किया हो, और आजकल मोस्टली जो कस्टमर हैं वो एज ए स्टाफ ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी लॉगिन डिटेल नहीं देते, अपने ईमेल या पासवर्ड डायरेक्ट नहीं दे देते, वो आपको एज ए स्टाफ ही ऐड करते हैं, क्योंकि शॉपिफाई वाले उन्हें वार्न करते हैं कि आप लोगों ने एज ए स्टाफ ऐड करना है या आपने कोलैबोरेटर एक्सेस देनी है पार्टनर अकाउंट के थ्रू। तो आप अगर काम कर रहे हैं, किसने आपको एज ए स्टाफ ऐड किया हुआ है, एज ए स्टाफ कैसे ऐड होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेटिंग में आके यहाँ यूज़र एंड परमिशन लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ आके एज ए स्टाफ ऐड किया जाता है। यहाँ पे आप देख लें, दो तीन बंदे जो हैं वो ऐड हैं ऑलरेडी एज ए स्टाफ। इसमें फरानाज है, दानिश मुनीर है, ये लोग ऑलरेडी इसमें जो है एज ए स्टाफ ऐड हैं। तो 15 बंदे एज ए स्टाफ ऐड किए जा सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने अपना ईमेल एड्रेस देना होता है अपने कस्टमर को, तो वो आपको एज ए स्टाफ ऐड करता है यहाँ क्लिक करके, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल, अगर उसने कंप्लीट आपको देनी है एक्सेस तो सिलेक्ट ऑल करेगा, नहीं तो यहाँ से वो जितनी एक्सेस देना चाहता है जिसमें आप काम कर सके वो एक्सेस दे के आपको, बाकी नहीं देगा, और आपको यहाँ से सेंड इनवाइट कर देगा। ये नीचे सेंड इनवाइट का बटन है, आपके पास ईमेल पे जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसने आपको इनवाइट किया, तो आप वहाँ से इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, आपका अपना ईमेल और पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर तो किसी क्लाइंट ने आपको इस तरह ऐड किया हुआ है और आप उसका काम कर रहे हो, आपको उसका पसंद आ जाता है स्टोर डिज़ाइन, या वैसे आपको पसंद आ जाती है साइट उसकी, तो आप उसका जो है थीम डाउनलोड कर सकते हैं। एक और भी चीज़ है वो बताता हूँ कि क्या मसला होता है अक्सर औकात, अगर कोई क्लाइंट आपको ख़राब कर रहा है, उसने काम करवा लिया है तो आपके साथ मतलब सही नहीं चल रहा, तो आप क्या करें, आप जो है उसका थीम डाउनलोड करके उसकी वेबसाइट डिलीट कर दें। जैसे ये टर्बो थीम है, इस पे मैंने अगर उसकी वेबसाइट बना दी हुई है, ठीक है, वो लेकिन कस्टमर मसला कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप एज ए स्टाफ ऐड हैं फिर डाउनलोड करके आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, डाउनलोड थीम फाइल पे क्लिक करना है, एक्शन पे आना है, डाउनलोड थीम फाइल, तो यहाँ वो आपसे पूछेंगे कि आपकी इस ईमेल पे हम थीम सेंड करने लगे हैं, तो आप यहाँ से सेंड ईमेल कर देंगे तो ये थीम आपकी ईमेल पे चला जाएगा। तो होता क्या है कि जो भी वेबसाइट जैसे बनी होती है ना, जब हम थीम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो वेबसाइट भी वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है, जो जो चेंजेस आपने थीम में किए होते हैं वो सारे सेम एज इट इज़ वहाँ पे चले जाते हैं, वैसे ही थीम फाइल जो है आपकी डाउनलोड होती है। अगर कस्टमर आपको ख़राब कर रहा है, कोई मसला करता है, तो आप क्या करेंगे, थीम डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर दें। जब आप रिमूव करेंगे तो आपका कस्टमर बोलेगा कि आपने साइट ही गायब कर दिया, ये वो फलां फलां, तो आप फिर उसे कह सकते हो कि मैं वापस साइट तुम्हारी अपलोड कर दूंगा अगर तुम मुझे मतलब मेरे साथ सही चलते हो, ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो और कोई बैड रिव्यू वगैरह नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी साइट वापस तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो आप फिर क्या करोगे, आप वापस जाओगे अपने ईमेल में, आप जो है आपको वो थीम जो है यहाँ पे रिसीव हुआ होगा, आप देख लें ये ईमेल जो है आई है, आपने इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर ये एक लिंक है, ठीक है, योर थीम एक्सपोर्ट इज रेडी टू डाउनलोड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये थीम आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नीचे देख लें, डाउनलोड हो गया, तो वापस आप आके उस क्लाइंट को यहाँ से ऐड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो वही फाइल, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड में आ गया, ये थीम एक्सपोर्ट है, ठीक है। स्टोर का नाम भी लिखा आ जाता है कि किस स्टोर से आपने इसको डाउनलोड किया, ठीक है, टर्बो थीम है और आपने इस स्टोर से इसको डाउनलोड किया, तो आप दोबारा उसको अपलोड करके पब्लिश कर दोगे तो वो क्लाइंट फिर आपके साथ ठीक हो जाएगा। ये तो एक मैंने वैसे बताया आपको, अगर क्लाइंट मसला करता है तो आप करें, नहीं तो आपको कोई थीम पसंद आता है तो वो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख के किसी और वेबसाइट में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मोस्टली लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैंने सोचा इस बारे में भी आपको बता दूं। देखने अभी हमारा थीम वो डाउन सॉरी अपलोड होना स्टार्ट हो गया, जब अपलोड होगा तो इसे पब्लिश कर देंगे तो क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि मेरी साइट वापस आ गई, अभी हो गया अपलोड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।